नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। पिछले 6-7 दिनों से आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे और ये खबर जरूर सुन रहे होंगे। और आप भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और काफी ज्यादा जो सिचुएशन है वो और ज्यादा क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इनके बीच में बातचीत भी हुई थी जो बेनतीजा निकली थी और धमकियों के साथ बेनतीजा निकली थी। एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आए थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी तरफ से कई सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल भी हो रही हैं, वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सरकार को, सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उन्हें वापस भारत बुलाया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलने को मिल रही हैं वहां पर। अगर बात की जाए खाने की तो उनको खाना भी वहां पर नहीं मिल रहा है और हर किसी की वहां पर जान पर बनाई है। और आज एक बहुत दुखद खबर वहां से सामने आई है। कर्नाटक के रहने वाले नवीन कुमार, पहले भारतीय जो यूक्रेन में रह रहे हैं, उनकी मौत हो चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। हालांकि हरियाणा सरकार की बात कर ली जाए या भारत सरकार की बात कर ली जाए, प्रयास जरूर किए जा रहे हैं बच्चों को लाने के लिए, लेकिन ढिलाई बरती जा रही है। बच्चों के बार बार जिस तरीके से मैसेज आ रहे थे, उनके मैसेज में साफ पता चल रहा है कि बच्चे कितने ज्यादा डरे हुए हैं। उस हिसाब से जैसे हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से भी हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। पेरेंट्स भी अपील करते हुए नजर आ रहे थे सरकार से जल्द उनके बच्चों को वापस बुलाया जाए। अब जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी बच्चे 90-90 की संख्या में या फिर 100-100 की संख्या में आएंगे तो इससे काफी ज्यादा देरी हो जाएगी और इसी तरीके से ना जाने कितने और बच्चे भी अपनी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जान अब खतरे में है। अगर मैं नवीन कुमार की मौत की बात करूं तो इसकी पुष्टि खुद मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जो उन्होंने की है। मैं आपको एक बार वर्ड्स टू वर्ड्स बता देती हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखकर ये बात साफ की है। उन्होंने लिखा है, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खार्किफ में गोलीबारी की वजह से एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। हम उसके परिवार के संपर्क में हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक जो नवीन कुमार हैं, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। 21 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। 4th उनका ये साल था। आप सोच सकते हैं, एक युवा जिसके इतने सारे सपने होंगे, जो पढ़ने के लिए विदेश गया था, अपने देश को छोड़कर, अपने परिवार को पीछे छोड़कर डॉक्टर बनना चाहता था और उसके सपने कैसे एक पल में चूर चूर हो गया और उनके परिवार वालों के सपने भी। परिवार वालों ने नहीं सोचा होगा उनका बेटा एक बार जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा, उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। वहीं नवीन की अगर मैं दोस्तों की बात करूं तो उसके दोस्तों ने बताया है कि नवीन बाहर खाना लेने के लिए गया था और लाइन में खड़ा था जब रूस की जो सेना है वो गोलीबारी शुरू कर देती है और उसी गोली में से नवीन कुमार को भी लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर ये भी बताया जा रहा है उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा, अभी तक उनके दोस्तों ने तक उनका पार्थिव शरीर नहीं देखा है। वहीं अगर मैं सरकार की बात करूँ तो कर्नाटक के CM ने भी संवेदना दी है उनके परिवार को, नवीन के परिवार को। राहुल गांधी ने भी दुख जताया आया है। आप सब सोच सकते हैं, ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक भारतीय की मृत्यु हो जाना यूक्रेन में, जबकि वहां पर युद्ध छिड़ रहा है और बच्चों की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, हर कोशिश की जा रही है। वहां से वो मैसेजेस भेज रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं उनकी, किस तरीके से वो वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में भाग रहे हैं, मेट्रोज बंद हो चुकी हैं, बच्चों को किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ, कोशिश जरूर कर रही है सरकार, लेकिन ढिलाई सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर अभी भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे आएंगे और हर दिन इतनी इतनी कम संख्या में बच्चे आएंगे तो अभी बच्चों की जो बच्चे वहाँ पर हैं, जो अभी एक सेफ जगह पर नहीं है, उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है हम इस बात में सोच भी नहीं सकते हैं। रूस की और अगर यूक्रेन की बात की जाए, इनकी जो लड़ाई हुई है इसका असर भारतीयों पर भी पड़ रहा है। हजारों की संख्या में भारतीय जो हैं वो यूक्रेन में रह रहे हैं और रहते हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं,
आए दिन हम भी आपको खबर दिखाते रहते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी जिला सचिवालय में जाकर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। वो डीसी को ज्ञापन देते हुए नज़र आते हैं, उनसे अपील करते हुए नज़र आते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस बुला लिया जाए। वहीं पर एक गाइडलाइन वहाँ से भी आई है कि वहाँ पर बच्चों को कह दिया गया है कि जल्द से जल्द कीव से कैसे भी वहाँ से निकल जाएं। भारतीयों को कह दिया गया है कि कीव से निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ सिचुएशन की, वो और ज़्यादा खतरनाक होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसी सिचुएशन में भी अब बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले एक उम्मीद थी कि शायद इनकी बातचीत हो जाएगी तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहीं पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में शिरकत की थी। वो करनाल पहुंचे थे तो उनके सामने भी एक सवाल रखा गया कि जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेकर वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही थी, ट्रांसपोर्ट उनको नहीं दिया जा रहा था और एम्बेसी की तरफ से भी कोई, जो अगर उनकी बात की जाए तो उनको सुविधाएँ प्राप्त नहीं करवाई जा रही थी। वहीं पर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने बताया है कि कंट्रोल रूम बना दिया गया है और बच्चों से जो बातचीत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और वहीं फ्लाइट्स भी भेजी जा रही हैं भारत के द्वारा वहां पर, और पेरेंट्स से भी बातचीत की जा रही है। जल्द से जल्द बच्चों को भारत में वापस लाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस प्रयास में अगर इन प्रयासों में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी तो ना जाने और नवीन कुमार जैसे कितने और बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं। यूक्रेन में बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो आ रही हैं सामने की, किस तरीके से बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं। मेडिकल की अगर बात की जाए, बच्चों को अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है, खाने की चीज़ों में बच्चों को दिक्कत हो रही है, बंकर्स में बच्चे छुपे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बच्चों को वहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।